हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग करंट अफेयर्स की लगातार आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं नई नई वीडियो के साथ, ताकि आपका कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो यूपीपीएससी का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का हो या फिर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, और आपको करंट अफेयर्स की अप टू डेट नॉलेज मिल सके, अप टू डेट जानकारी मिल सके, इसी संदर्भ में हम लोग प्रयासरत हैं। और चलिए आप देखते हैं आज के करंट टॉपिक्स में हमारे पास क्या है। पश्चिमी लहर यानी एक्सपीएल 2022 का समुद्री अभ्यास का आयोजन हुआ है। ये एक समुद्री अभ्यास है जिसका आयोजन हुआ है अभी हाल ही में, तो इसके बारे में थोड़ी सी एक बेसिक सी जानकारी देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि परीक्षा उपयोगी है। और इसी तरह के टॉपिक से जो केंद्र है यानी बोर्ड जो है, कोई भी परीक्षा का जो बोर्ड है वो वहां से सवाल उठाने की कोशिश करता है, तो इनको जान लेते हैं एक बार ताकि कोई डाउट ही ना रहे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है इसमें। ये हाल ही में एक संयुक्त समुद्री अभ्यास जिसका नाम था पश्चिमी लहर एक्सपीएल 2022 का आयोजन हुआ यानी संपन्न हुआ। एक समुद्री संयुक्त समुद्री अभ्यास था, संयुक्त समुद्री अभ्यास। अब किस किस के बीच में संयुक्त था इनके बारे में जान लेते हैं। यह अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा और पश्चिमी तट पर आयोजन किया गया था, भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित किया गया था। यह एक संयुक्त अभ्यास था जो 20 दिनों तक चला। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लाइंग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ जिनको हम बोलते हैं, के तत्वाधान में यह अभ्यास का आयोजन किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य पश्चिमी नौसेना कमान की तैयारियों को मजबूत करना था और भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना और साथ साथ में तटरक्षक बल के बीच एक तालमेल बैठाना था। यानी तीनों सेनाओं के साथ साथ में तटरक्षक बल के साथ में एक क्या करना था, एक तालमेल बैठाना था। अब कुछ बात कर लेते हैं इंट्रा थिएटर अभ्यास जो हुआ है, यानी इन सभी के बीच में जो आपस में ये अभ्यास हुआ है, ये भारतीय नौसेना के 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों ने इस अभ्यास में भाग लिया है। 40 से अधिक जहाजों और पनडुब्बी ने यानी सबमरीन ने इसमें भाग लिया है। अब देख लेते हैं इसकी और क्या खास बात है। इसमें वायुसेना की अगर मैं बात करता हूं, वायुसेना के किन किन फ्लाइंग है, उन्होंने किस किस ने पार्टिसिपेट किया है, तो देख लेते हैं एक बार। SU-30 MKI ने भाग लिया है और जगुआर समुद्री स्ट्राइक एयरक्राफ्ट जो है उसने भाग लिया है, और फ्लाइंग रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट जो रास्ते जो हवा में ही रिफ्यूल कर लेता है उसने भी भाग लिया है। इसमें भारतीय वायुसेना के एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम जो AWACS है जिसको कहते हैं, उसने भी भाग लिया है। तो भारतीय वायुसेना के लगभग सभी शीर्ष जो एयरक्राफ्ट है उन सभी ने भाग लिया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के जो उच्च टॉप क्लास टोही विमान है, जैसे P-8I, इन्होंने भाग लिया है, और किसने भाग लिया है, डॉर्नियर ने भाग लिया है, IL-38-5D ने भाग लिया है। मानव रहित जो हवाई प्रणाली है जिसमें ह्यूमन काम नहीं करते, और MiG-29K स्ट्राइक विमान आदि इसमें तैनात रहे, उन सभी ने संयुक्त अभ्यास के रूप में अपनी भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और एक बात गौरतलब है, यहां पर गौरतलब बात यह है कि लंबे अंतराल के बाद तटरक्षक बल के कई सारे जो पेट्रोल वेसल्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं, उन्होंने भी इसमें भाग लिया है,
और जो फास्ट पेट्रोल वेसल्स है उन्होंने भी इसमें भाग लिया है, और एयर वेसल एयर कटन जो वेसल्स है इसमें भी इन्होंने इस अभ्यास की संयुक्त सेना में इन्होंने भाग लिया। अब ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पश्चिमी लहर किस चीज से संबंधित है या किस चीज की संयुक्त अभ्यास या किन देशों के बीच में ये अभ्यास था। तो ये किसी देशों के बीच में नहीं था, ये भारत की ही भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और तटरक्षक बिल के बीच में समन्वय ज्यादा से ज्यादा हो सके इस बीच में ये क्या था, एक संयुक्त अभ्यास। मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही होगी, बहुत खास रही होगी। अगली जानकारी के लिए, अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें।